पहले ये बताइए चाचा, आपके नाम के आगे ये चतुर्वेदी कहाँ से आ गया? चतुर्वेदी इसलिए आ गया बाबूजी, 20 साल तक संस्कृत कंटिन्यू स्टडी की सारी पुस्तकें पढ़ डाली जो हमको अवेलेबल हुई। वेद उपनिषद चार वेद पढ़ डाले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, 18 पुराण पढ़ डाले, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण और चार गीता हमने पढ़ डाला। किसी ने विरोध नहीं किया कि आपको कुरान पढ़ना था, कहाँ ये वेद पढ़ना था? सब पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे अपने समय पे, ये भी पढ़ते थे, इसलिए हम चतुर्वेदी हो गए। कहने लगे तो क्या जरूरी था? हमने कहा आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आपसे हम कुछ ले रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हो या ले रहे हो तो आपको घृणा होनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में किसी ने नहीं इस पर ऑब्जेक्शन दिया। भव्य उद्घाटन हो जाए तो सारी राजनीति मर जाएगी और राजनीति वाले भी मर जाएंगे सब, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। हमारे माननीय पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, दुनिया तोड़ डाल के गए, और उसके बाद उनके जो कौन थे वो वंशज जो थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने ताला दबाया, इन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने राम चबूतरा बनवा दिया। आप नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, ये आएगा। वो कब आता है हमारी आंखें उसको देख पाती हैं कि नहीं ये नहीं कह सकते, मगर आएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तमाम लोग सनातन धर्म भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके भगवान राम और सनातन धर्म के ज्ञान को देखकर यही कहा जा सकता है कि ज्ञान किसी धर्म किसी जाति के मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। हमारे साथ बात करने के लिए वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी हैं। मैं फिर से नाम बता दूं, नाम वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। पहले ये बताइए चाचा, क्या आपके नाम के आगे ये चतुर्वेदी कहाँ से आ गया? चतुर्वेदी इसलिए आ गया बाबू जी कि हमने जो शिक्षा ली तो हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत लगा हुआ था। अच्छा, कुछ टेढ़ा बेढ़ा ऐसा लिखा रहता था थोड़ा, पहले तो वही होता था भाई, जाहिर सी बात है शुरुआत में कुछ ना कुछ तो आदमी को होती है, मगर जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि नहीं ये भी लैंग्वेज ऐसा है कि इसको सीखना चाहिए, संस्कृत। संस्कृत तो फिर हमने अनिवार्य संस्कृत के साथ जब पूरा उसको हमने जो हमारे कोर्स में था पढ़ डाला, तो हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि नहीं वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, गीता को, रामायण को, उपनिषद को, ये सारी भाषाएं संस्कृत में ही है, तो क्यों ना संस्कृत जबान पे पूरा उबूर हासिल कर लें। तो फिर मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। हमारे गुरु जी बहुत अच्छे थे और उन्होंने कहा वेरी गुड बेटा, तुम एक दिन कुछ ना कुछ बनोगे। तो ये उनकी जो है उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। तो फिर हमने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी की, 20 साल तक संस्कृत कंटिन्यू स्टडी की सारी पुस्तकें पढ़ डाली जो हमको अवेलेबल हुई। वेद उपनिषद चार वेद पढ़ डाले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, 18 पुराण पढ़ डाले, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण और चार गीता हमने पढ़ डाला। अभी किसी ने विरोध नहीं किया कि आपको कुरान पढ़ना था, कहाँ ये वेद पढ़ने लगे? सब पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे अपने समय पे, ये भी पढ़ते थे। अच्छा, खाली समय में अपने भाई हर चीज का एक टाइम होता है, आदमी अपना शेड्यूल बना ले कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर आपका उसी के बाद ये चतुर्वेदी लिखना शुरू कर, जो हमको चारों वेद ग्रहण कर लिए तो हमने चतुर्वेदी अपने साथ लगा लिया है, उपाधि भी। चतुर्वेदी तो वही लिखते हैं जिनको चारों वेद का ज्ञान हो, जिनको दो वेद का ज्ञान होता है द्विवेदी लिखते हैं, जिनको तीन वेद का ज्ञान होता है त्रिवेदी लिखते हैं। बाद लोग अपनी पूछते ही नहीं, उससे ज्ञान कुछ भी नहीं होता, मगर वो बाप दादों में एक चीज चली आ रही है तो वो लगा देते हैं, वो हमारे साथ नहीं है, बाप दादों के साथ ये नहीं था कुछ, मगर ये हमने ऊपर वाले की कृपा से हमने ग्रहण किया तो हम लिखते हैं चतुर्वेदी। आपने अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लगा दिया, कभी किसी जो धर्म के ठेकेदार मौलाना है या किसी किसी हिंदू धर्म के किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि क्या ये? लोगों ने तो ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपने को चतुर्वेदी कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई चारे वेदों को हमने पढ़ा है इसलिए हम चतुर्वेदी हो गए। कहने लगे तो क्या जरूरी था? हमने कहा आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आपसे हम कुछ ले रहे हैं,
आपको कुछ दे रहे हो या ले रहे हो तो आपको गिरना होनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में किसी ने नहीं इसका ऑब्जेक्शन दिया। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जी, भगवान राम के मंदिर को लेकर के देश भर में उत्साह है, कैसा देख रहे हैं भगवान राम और हिंदुस्तान कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? देखिए, हिंदुस्तान सबसे पहली चीज तो पूरे संसार में सबसे पहली आबादी हमारे भारत की है, पहली आबादी भारत ही की है। क्यों? हमारे हदीसों में इसका वर्णन आया है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा कि ऊपर वाले ने अपनी कृपा से लम्मा नुजुला आदम फिल हिंद, हमने नाजिल किया आदम को हिंद में, आदम आदि मानो पहला मनुष्य पहला इंसान हिंदुस्तान में श्रीलंका की जमीन पे उतारा गया, सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आदम अली सलाम मनु जी महाराज सीधे इस पृथ्वी पर लंका में उतारे गए। आज भी उनके पैर के निशान वहां मौजूद है, और लंका सोने का था, वो तो रावण की लंका थी, वो रावण की लंका नहीं, शुरू में ही लंका सोने का था। क्यों? जो आदि मानो आए वो सीधे स्वर्ग लोक से आए थे, और स्वर्ग में सोना ही सोना है, वहाँ सोना चांदी हीरे मोती यही वहाँ। अच्छा, राम को लेकर के इतनी राजनीति हो रही है, अब तो मंदिर बन रहा है जी, राजनीति पे क्या कहेंगे? राजनीति अब खत्म हो जाएगी, राम जी के इस भव्य उद्घाटन हो जाए तो सारी राजनीति मर जाएगी, और राजनीति वाले भी मर जाएंगे सब, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। इसलिए अब तो उम्मीद ये है कि अब प्रेम की अलग जगेगी, अब लोगों में प्रेम आएगा, अब जब राम भी प्रकट हो जाएंगे तो क्यों नहीं प्रेम आएगा। लेकिन राम के मंदिर को लेकर के 125 साल का झगड़ा, अदालत, केस, मुकदमा, दंगा, फसाद, कर्फ्यू सब हो गया। हाँ, क्यों? ये धर्म के ठेकेदार लोग अपना करते रहे, अपनी रोटी सेकते रहे, वो भी तो उनका बिजनेस है, वही ठंडा हो जाएगा तो किस पे राजनीति करेंगे। तो उन्होंने इसको अपना, जिसने जो मुद्दा बनाना था बनाया और लोगों ने कमाया। इसका हल पहले निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता था, अगर यही सौहार्द पहले हो जाता प्रेम से तो कोई झगड़ा ही नहीं होता, मगर लोगों ने कहा नहीं इसको जिंदा रखो। हमारे माननीय पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, दुनिया तो डाल के गए, और उसके बाद उनके जो कौन थे वो वंशज जो थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने ताला दबाया, इन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने राम चबूतरा बनवा दिया, वो सब किया, तो सारी बुनियाद तो उन्हीं ने डाली। ब्रह्म देवता जो न कराने वही कम है, सीधी सीधी बात। ये धर्म के ठेकेदार अपने को समझते हैं कि हम ही सबसे सर्वप्रिय हैं, हालांकि कोई नहीं, जो प्रभु को माने, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत हो, जिसके अंदर लोगों के साथ संवेदना हो, वही सबसे अच्छा मनुष्य। राम पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद होगी? पसंद है, इसलिए पसंद है कि वो अवध के नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनकी इतनी अच्छी उनकी जीवनी गुजरी है कि इसको पूरी दुनिया जो है वो तस्लीम कर रही है, और आज उसका ये भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है ताकि पूरी दुनिया उसको लाइव कास्ट करके और देखे कि देखो ये कौन थे। जो नहीं जानते थे राम को वो भी जान जाएंगे। भगवान राम क्या सिर्फ हिंदुओं के भगवान है कि ये इनके आदर्श को सबको मानना चाहिए? इनके आदर्श को तो देखिए, जितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम से पहले भी जितने लोग आए, जैसे 16 कलाओं के अवतार कृष्ण जी हैं, इससे पहले जो है गौतम बुद्ध जी हैं, ईसा मसीह हैं और मूसा हैं, ये जितने भी अवतार अवतरित हुए, उस प्रभु ने इन सबको मार्गदर्शक बना के संसार में भेजा कि जाओ जो हमारी पैदा की हुई मखलूक है उसको सही रास्ता दिखाओ। ये लोग मार्गदर्शक थे, सही रास्ता दिखाने आए। अब विडंबना ये हुई कि जब ये चले गए संसार से तो लोगों ने इनकी मूर्तियां बना के पूजना शुरू कर दिया, इनके आदर्शों का पालन नहीं किया, इतनी मोहब्बत में रज बस गए कि बस उनकी मूर्ति ही सब कुछ है, उनके आदर्शों का पालन नहीं किया। अगर आदर्शों का पालन करते तो हमारे संसार को ये मुंह न देखना पड़ता, इतना प्रदूषण न फैलता। कैसे ये प्रदूषण ठीक होगा? अब प्रदूषण ये ठीक होगा, ये हो जाने दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ऊपर वाला कुछ ना कुछ अपना लीला दिखाएगा। तो यहाँ के लोग तो मतलब कह रहे हैं कि भगवान राम मंदिर में आ गए हैं, लेकिन उसके पीछे अब कह रहे हैं कि अभी काशी और मथुरा में भी इसी तरीके से झगड़े शुरू होने की बात सब होता रहेगा।
जिस घर में चार बर्तन है वहाँ खटपट तो कुछ होता रहेगा, मगर अब ये बुद्ध जीवियों को चाहिए कि इस पर लगाम लगाएं, अंकुश लगाएं। ये जितने धर्म के ठेकेदार और जितने बवाली गुंडे मवाली हैं, इन सबको उठा उठा के जेलों में डाल दें, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी का हो, और चाहे जिस कम्युनिटी का हो, चाहे वो बाबा बनता हो या दादा बनता हो या डाकू बनता हो, कुछ भी, सब की छटनी करके। अब जैसे योगी जी ने जितनी भी नाजायज जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा था, सब उन्होंने अपना बाबा का बुलडोजर चला, सब खाली हो गई। ऐसे जैसे जमीन बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, ऐसे लोगों का हृदय भी साफ सुथरा हो जाए। इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना पड़ेगा, इन पे लगाम चढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये सुधरेंगे और ये प्रदूषण खत्म होगा और रामराज तो आएगा। ऐसा नहीं कि ना आए, रामराज आएगा और सारी दुनिया के लोग खुश होंगे, किसी के अंदर कोई द्वेष नहीं होगा, पाप नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। ये आएगा, वो कब आता है हमारी आंखें उसको देख पाती हैं कि नहीं ये नहीं कह सकते, मगर आएगा। एक आखिरी सवाल जी, कि राम और अगर कहा जाए हिंदू और मुस्लिम जी, कि धर्म में जितने भी धर्म थे सभी ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग, अलग अलग। आपने दोनों को पढ़ा है, कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, तो आपको समानता कहाँ पे नजर आती है, कुछ अगर संक्षेप में, और दोनों धर्मों के बीच में एकजहती कहाँ से है? अब देनी दोनों दोनों धर्मों के बीच में एकजहती ये है कि खाने पीने में कभी कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं, जो जिसका जी चाहता खाता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो पूजा पद्धति में क्यों ऑब्जेक्शन हो भाई? पूजा पद्धति जिसके जो आप अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो आप गायत्री मंत्र और नमाज के बारे में बात कर रहे थे, तो नमाज आप बता रहे थे कि संस्कृत का शब्द है, सब संस्कृत का है, नमाज प्योर संस्कृत है, उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, और अगर बढ़ा लीजिए तो आरती, चार शब्द बोले जाते हैं पूजा करने के, पूजा अर्चना उपासना आरती, ये हो गया चार शब्द। इंग्लिश में प्रेयर प्रार्थना, हिंदी में भी प्रार्थना, अरबी में सलात कहते हैं, सुबह की जो फजर की अजान होती है उसमें कहते हैं अस्सलात खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है, तो नमाज अरबी में सलात को कहते हैं कि सोने से बेहतर नमाज है। मगर ये जो शब्द नमाज हम बोलते चला रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवर्ष में जितने भी हैं, और बल्कि संसार में जितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ की जबान गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की उर्दू हिंदी मिक्स है उसमें, तो यहाँ हम यही बोलते चले आ रहे हैं नमाज। अब अगर नमाज को आप क्लियर करें, वेरीफाई करें, तो शब्द नमाज प्योर संस्कृत का लफ्ज है, ना उर्दू है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है। कैसे? नमः धन अज, न और माँ, और बीच में आ का मात्रा, पहले लिखिए न और दो बिंदी हो गया नमः, आगे लिख दीजिए अज। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो आ का यहाँ पे मात्रा लग जाएगा, दोनों बिंदी हट जाएगी, हो जाएगा नमः। नमः धन अज का संधि किया तो नमः, नमः धन अज। अजन्मा को नमन करना, अजन्मा कौन है? वही परमेश्वर, वही प्रभु है, जो बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म, बिन नाना आनंद ही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, एक राम है घर घर लेटा, राम प्रकाश, राम प्रसाद, राम सिंह, राम चंद्र, ये सब घर घर लेटा है, और एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, और एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है वही निर्विकार है, और वही परमेश्वर है, और वही जो है अन्नदाता है, वही सबका स्वामी है, और वही अल्लाह है, ईश्वर है, गाड है, उसको जिस नाम से याद कर लीजिए। अब आगे जो मानस की चौपाई है, ये बिन पक चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म, बिन नाना आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जब अर्थी उठाई जाती हिंदू भाइयों के यहाँ, तब उस राम को याद करते हैं जो जगत प्रचारा और जग से न्यारा है। राम नाम कौन होता? राम राम सत्य है, दो मरतबा रिपीट करते हैं। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिसकी पूजा अर्चना उपासना करते थे और जिस प्रभु के संदेश वाहक थे, वही राम सत्य है, और वो कहाँ है? हर जगह विराजमान है, हर एक के मन में है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी,
और तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम आपका नहीं भला कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं तो कम से कम अपना ही भला कर लें। आपको बुरा भला तो न कहें, आपको सताए नहीं, प्रेम की दो बाड़ी ही बोल दें, गुड़ न दें, गुड़ जैसी बात करने में क्या लगता है। तो ये हमारा बाबूजी। एक आखिरी सवाल जी, राम को आप इतना जानते हैं, राम के लिए जो सबसे प्यारी लाइनें आपने लिखी या सुनी हो, गुनगुना दीजिए, गा दीजिए, बता दीजिए। अब वो पंडित ब्रजेंद्रनाथ चकबस जी की जो रामायण का सीन है जिसमें राम के आचरण को उन्होंने दर्शाया, सबसे सुंदर वही लगता है हमको जी। जब पिताजी ने उनको कहा कि बेटा हमने तुम्हारी सौतेली माता को त्रिवचन दे दिया है, हालांकि हमारे पूर्वजों का उसूल ये था कि राज सिंहासन पे जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही बैठेगा, मगर तुम्हारी माता जी की हट पे और उनकी कहने पे हमने अमल किया और हमने उनको त्रिवचन दे दिया, तो हम इसके खिलाफ तुमको वन में भेजना चाहते हैं उनके वचन को पूरा करने के लिए, और उनके बेटे को सिंहासन देंगे, राजा कैके को बनाएंगे। तो उन्होंने कहा पिताजी ठीक है, आपका आज्ञा, हम तो आपके पुत्र हैं, आपके चरण के धोमन हैं, जो आपका आदेश होगा आपका बेटा पालन करने के लिए तैयार है, आपके आंखों के नूर हैं, आपके दिल के सुरूर हैं, आपके वचन को हम खोटा नहीं होने देंगे। और जब पूरी तैयारी हो गई वन में जाने की और पूरे अपने सारे साजो सामान के साथ अब निकलने को है, अब पिता के पास आते हैं आज्ञा लेने कि पिताजी अपना आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ रखिए, और यह आपका पुत्र आपके वचन को पूरा करने के लिए जा रहा है, ताकि आपको समाज में और संसार में शर्मिंदगी का मुंह न देखना पड़े कि ऐसा बेटा था जिसने बाप के वचन को नहीं पूरा किया। तब जो उन्होंने वर्णन किया उसका पंडित ब्रज नारायण चकबस लखनवी ने, बड़े शायर गुजरे हैं, उसमें उन्होंने शीर्षक है इसका रामायण का सीन, क्या लिखा था उन्होंने लिखा, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। वफादारी की पहली मंजिल बाप से आज्ञा लेके और पिता से रुखसत होके और राजमहल को ठोकर खिला, कितना सुंदर समा होगा। जब आज उनका वर्णन करने पे आंख से धारा छूट रही है, आपके तो भी आंख से आंसू आ गए, कैसा सुंदर वर्णन होगा, क्या समा रहा होगा उस वक्त, और क्या बेटे के दिल पे गुजर रही होगी और क्या बाप के दिल पे गुजरी होगी। और उसके बाद माता कैकेयी के पास पहुंचे, कौशल्या के पास पहुंचे कि माता जी आप भी आशीर्वाद दीजिए, अब पिता का वचन पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल खड़ी थी मूर्ति के तरह, कहती है कि मैं खुश हूं, फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। बेटा माँ का सबसे प्यारा होता है, और जब बेटा ही मेरा नहीं रहेगा तो राजमहल में हम रह के क्या करेंगे। कैसा सुंदर बन, अब बस बहुत सारी चीजें भूल गए बाबूजी, कंप्यूटर पुराना हो गया, वरना हम कुछ ना कुछ नहीं, पुराने कंप्यूटर में बहुत संदेश वाली चीजें हैं। ऊपर वाले का ये वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी हैं, जो भगवान राम सबके हैं, जितने मेरे हैं उतने ही राम वहीदुल्ला अंसारी साहब के भी हैं, और शायद यही वजह है कि भगवान राम का वर्णन करते करते उनकी आंखों में भी आंसू निकल आते हैं। यही राम है, यही राम की श्रद्धा है।